के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश। चार पुरुषार्थों में जो तीन पुरुषार्थों में पुरुष को संयमित करती है, शीलवान बनाती है, पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। ये स्त्री शब्द की व्याख्या मूक माटी में ऐसा हुआ है। यानी तीन पुरुषार्थ है। सबसे पहले पुरुषार्थ का नाम जो पुरुष के माध्यम से प्रथम पुरुषार्थ किया जाता है तो उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। और धर्म पुरुषार्थ के बाद फिर जीवन निर्वाह के लिए कौन सा पुरुषार्थ होता है? अर्थ पुरुषार्थ। कुल परंपरा को चलाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ हुआ करता है? काम पुरुषार्थ। और अपने आप के स्वरूप को पाने के लिए मोक्ष पुरुषार्थ। आत्मिक सुख की अनुभूति, आत्मिक सुख को प्राप्त करना हो तो मोक्ष पुरुषार्थ। ऐसे चार पुरुषार्थों का कथन स्त्री शब्द कह रहा है कि जो तीन सम सा से कह लेना सम समीचीन रूप से समशीला शील संयम वाली तीन पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है सो स्त्री कहलाती है। ये स्त्री शब्द की व्याख्या हुई है। अब आ रहा है ओ सुख चाहने वालों सुनो, सुख की चाह रखने वालों सुनो, सुता शब्द स्वयं सुना रहा है कि सूर्य ने स्वभावनी अच्छाई और ताय ने प्रत्यय है वह भाव धर्म सार के अर्थ में। ताय ने जो प्रत्यय है वो किसका अर्थ है? सार के अर्थ में, उसके भाव धर्म के अर्थ में, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत अगर है सो सुता कहलाती है। जो सुख सुविधाओं का स्रोत है वो कौन कहलाती है? सुता कहलाती है। वैसे सुता शब्द यही कहती है श्रुत सूक्तियां है, यानी आगम की सुक्तियां है। ये श्रुता शब्द की अब आ रहा है द्विता किसे कहते हैं? दो हित जिसमें निहित हो, एक नहीं कितने दो हित, दो हित जिसमें निहित हो वह द्विता कहलाती है। अपना हित स्वयं कर ही लेती है, अपना हित स्वयं कर ही लेती है। पति से पतित पति का जीवन भी हित से सहित होता है जिससे वह द्विता कहलाती है। जिसका दो का हित जिसमें समाहित हो उसका नाम द्विता है। ऐसी द्विता शब्द की व्याख्या नारी के लिए। और आगे एक और बात आती है, एक हित दो हित के साथ साथ कुल मंगल वर्धिनी। ये शब्द आगम में लिखा हुआ है कन्या को एक कुल की नहीं, कितने कुल की शान बताई है? एक नारी इस कुल में रहती है तो इस कुल की शान होती है। और जब वो अपने पति के घर जाती है, ससुराल जाती है, तो वो अपने ससुराल के घर की शान होती है, पहचान होती है। इसलिए कन्या को वह कुल वर्धिनी का वही बात, उभय कुल मंगल वर्धनी, उभय लोक सुख सर्जनी। कितनी अच्छी व्याख्या है, सोच लेना आज लोगों की प्रशंसा अच्छी हो रही है नारी समाज की। मुख माटी को पढ़ाना सुना देना, बुरा के तो मुख माटी पढ़ो। गुरु जी ने कितना नारी को कितनी अच्छी व्याख्या की है। नारी शब्द की व्याख्या सुनना है तो देखो ये है, वह कुल मंगल वर्धनी, वह लोक सुख सर्जनी, स्वापर हित संपादिका। अपने और पर के हित की क्या चीज है वो? संपादिका। कह रही
कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती है, सो दुहिता कहलाती है। हमेशा एक ही काम सबके हित का दोहन करते रहना, इसका नाम दुहिता कहलाती है। हमें समझना है, बहुत अच्छा, हमें समझना है मातृत्व शब्द का महत्व भी। किसी कहते हैं मातृत्व, मातृत्व शब्द भी प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमेय यानी ये, कोई भी जिसे अपन जानते हैं, ज्ञान जानने वाला है, और किसको जानने वाले, जिसको अपन जान रहे थे, उसको कहते हैं प्रमेय। प्रमेय यानी ये, और प्रमाता जो ज्ञाता कहते हैं संत, जिसे कौन जान रहा है, जानने वाला कौन, उसका नाम है प्रमाता। जो जानने वाला है वो है प्रमाता, जिसे कहते हैं ज्ञाता। ज्ञाता कहते हैं संत, यानी जानने की शक्ति वह मातृत्व तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। जिसके अंदर देखिए आप, प्रमाणपन भी है, प्रमेयपन भी है, और ज्ञाता भी है। ज्ञान ज्ञे और ज्ञातापन जिसके पास हो वह मातृत्व है। अच्छे से जानने वाली, उसकी और व्याख्या की जा रही है, मातृत्व के सिवा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता, पितामह पुरुष नहीं है। पिता, पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी हो। मातृ तत्व है जो सबकी आधारशिला, और किसी हो, सबकी जननी हो, वह मातृ तत्व है। मातृ तत्व की अनुपलब्धता में, अब अनुपलब्धि में ये ज्ञायक संबंध ठप। अगर मातृत्व ना हो तो ये परंपरा, ये कुल परंपरा चलाने वाला सब कुछ क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। कुल परंपरा को चलाने वाला एक कहावत है, अरे अकेलो चना भाड़ नहीं भूंजत, है ना, ऐसा कहावत है। ये संसार की परंपरा या कुल परंपरा अकेले से चलने वाली नहीं है। ये कुल परंपरा को, लेकिन आधारभूत अगर कोई होती है कुल परंपरा का चलाने के लिए, तो उसमें कहा स्त्री समाज का सबसे बड़ा योगदान होता है, और वही इस बात को यहां पर कहा जा रहा है। मातृत्व की अनुपलब्धि में, अगर मातृत्व बना नहीं है, अनुपलब्धि में ज्ञायक संबंध क्या हो जाएगा, ठप। ठप का अर्थ क्या लेना, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, और किस विध मिलेगी। इसलिए इस जीवन में उस माता का मान सम्मान हो, उसका जयगान हो सदा, धन्य है ऐसा। उस माता का हमेशा क्या होना चाहिए, गान हो, सम्मान हो, उसका हमेशा गुणगान जयगान हो सदा, धन्य है। सदियों से सदुपदेश देती आ रही है, आज से नहीं, कब से, सदियों से। बड़े बड़े बिगड़ों को बिगाड़ने वाली जो है वे कौन है, तो कहा गया पुरुष समाज को सही सही दुर्दशा से निकाल करके सही दशा में लाने का काम करने वाली कौन है, तो नारी ही होती है। और अपने यहां एक बात और आती है, कहना चाह रहा हूं कि लोगों ने हमेशा रावण को
ये कहा कि ये बुरा बुरा बुरा, लेकिन ये बताओ रावण को सहनीचीन मार्ग दर्शन करने वाली अगर कोई थी तो कौन थी? मंदोदरी। वो एक नारी का रूप था, उसने अपने पति की बात को सुना और पति की बात को स्वीकार करके उन्होंने कहा, वो कहती है स्त्री होकर के तू एक गलत मार्ग पर जा रहे हो। बोले कि नहीं, तुम्हें मेरा साथ आगे अभी मुख पाटी में कभी कभार पुरुष समाज के कारण से नारियों को भी कुपथ पर चलना पड़ता है। रावण के कारण से उसको भी जबरदस्ती जाकर के सीता के सामने कहना पड़ा कि देख तू तो मेरी बेटी के समान है, पर मैं क्या करूं, मजबूर हूं। और पति के कहने से मैं तुम्हारे सामने आई हूं कि बेटा बन सके अगर हो सके तो तुम उनके भाव को स्वीकार कर लो। पर सीता ने कह दिया था कि देखो आप भी अपनी समाज की होकर के एक स्त्री होकर के एक माँ होकर के दूसरों को अपने मातृत्व से दूसरे उसके शील सतित्व से तुम उसको विमुख करना चाहते हो, धिक्कार है। जाकर के मंदोदरी ने स्पष्ट रावण से कहा कि तुम गलत कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ गलत मार्ग का समर्थन नहीं करूंगा। और आखिर रावण भी सोच गया, पड़ा गया कि देखो अपनी पटरानी जब हमारे विरुद्ध खड़ी हो तो अब क्या होगा, अब तो कोई मेरा साथ देने वाला मन में संशय तो हो गया है। सदियों से सदुपदेश देती आ रही है किसको? पुरुष समाज को यार, बिना बोले भी सब कुछ बोल देती है। ये मत सोचो कि बड़े बड़े प्रवचन करने से ही शब्द उपदेश होता है, बिना बोले भी बहुत सारा उपदेश होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोल करके नहीं कह करके किए जाते हैं, जो करके जो किया जाता है वो सबसे बड़ा उपदेश होता है। सबके मन को जो भा जाते हैं, अपने क्रिया के माध्यम से अपने कर्म के माध्यम से सबको प्रभावित कर देते हैं, इससे बड़ा और कौन सा है? वही है, सदियों से सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को यह। अनंग के संग से अंगा अंगरित होने वाली बालों, देखो अनंग के संग से अंग अंगारित होने वालों, सुनो जरा सुनो तो स्वीकार करती हूं कि मैं अंग ना हो। एक शब्द और मिलता उसको, अंग ना, ऐसा हमेशा उपदेश। अनंग के संग अंगारित होने वालों, मतलब अनंग का अर्थ मन, अनंग का अर्थ क्या लेना यहाँ पे? मन। जैसा मन कहता है मन मर्जी के करने वालों, उसने कहा मदहोश होने वालों, मद की चाल चलने वालों, अनंग के संग अंगारित हो यानी गरम, उसके संग में होकर के अंगारित होने वालों, सुनो जरा सुनो, स्वीकार करती हूं कि मैं अंग ना हो, अनंग ना नहीं हो। सुधारने का तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी गर्मी तुम्हारी रोज को देख करके मैं अपना होश खो दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। ये अंगना शब्द की व्याख्या है, परंतु मात्र अंग ना हूं। देखिए मैं मात्र अकेला अंग ना हूं, अंग के अंदर भी कुछ हूं, अंग के अंदर कुछ मांगने का प्रयास करो, जो देना चाहती हो लेना चाहते हो तुम, सो चिरंतन शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है, भार रहते आभा का भार मानो तुम।
कैसे हो? भार रहित आभा का आत्मा कभी भारी नहीं होती। जो आत्मा कैसी है? शाश्वत है, चिरंतन, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, निरंजन भाषित है, हमेशा निरंजन स्वरूप ऐसे भाषित महान प्रकाशवान है, जो जिसका कोई भार नहीं। आत्मा का कोई वजन है? तौलने की कोशिश करो। एक बार किसी ने कहा था कि देखते महाराज जी आत्मा का वजन कैसे होता है, तो बोले कि एक जिंदा आदमी को वजन करो, है ना? और जिंदा आदमी का वजन किया तो बोले 60 किलो, और वो जब आदमी मर गया, है ना, पूछा तो तोलो, तत्काल तोलो कितना हुआ, तो बोले कि 60 किलो से ज्यादा हो गया। वो तो आत्मा का वजन निकालना था, पर हुआ ये कि वो आत्मा का वजन, क्योंकि उसका कोई भार ही नहीं होता, आत्मा का कोई वजन मूर्त का होता है, अमूर्त का कोई वजन नहीं होता। और ये बात निश्चित है कि आदमी जब तुम्हारे जब जिंदा रहेगा जब तक तो उसका वजन 60 किलो का है, और जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओ तोलने, उससे ही वजन और बढ़ता चला, उसके शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं। क्योंकि जो भार सहे तो वो वही भारी होता है, जो भार रहे तो तब वो कभी भारी नहीं होता। ऐसे एक बात यहां जो कहा, जो भार रहता आभा का सा भार मानो तुम, ऐसी उस आत्मा का आभार मानो जो भाषित है, भार से रहत है, अमूर्त है, शाश्वत है, चित हमेशा भाषुरमान रहने वाली है, ऐसी आत्मा को तुम क्या देने वालो? मात्र अपने आप को जानो। वो ये कह रहा है मैं मात्र अंग नहीं हूं अकेली, मेरा अंग ना, आत्मा का कोई अंग नहीं होता, इसलिए उसका नाम अनंग कहा। मैं भी एक अनंग ना हो, मेरा कोई अंग नहीं है, ऐसा देने वाला मांगने का प्रयास करो। देना चाहते हो, लेना चाहते हो तुम, सो क्या है? चिरंतर शाश्वत है। कौन? कोई सो निरंजन है, भाषत है, भार रहित आभा का भार मानो तुम। ये व्याख्या हुई किसकी? नारी समाज की। इतनी बड़ी व्याख्या करते हुए किसने की ये व्याख्या? प्रभाकर ने। किसके लिए की? सागर बदलियों के लिए। सागर से जो उठी हुई जो बदलियां है, किस भाव से उठी थी वो? अभी आने वाला है समय को कि वे जा रहे हैं, उन्होंने सोचा है कि कुंभकार ने जो घड़े सुखाने रखे हैं उनको तहस नहस करना है। इस प्रकार अभी ये व्याख्या नारी शब्द की व्याख्या यहाँ की है, और आज नारी शब्द की व्याख्या के बाद अभी और कुछ बहुत नया व्याख्या लाने वाला है। अभी कल तो यही व्याख्या होगी, आगे की व्याख्या आपको बता दी जाएगी कि कहाँ होगी। मुखमाटी की व्याख्या तो चलेगी, असल की व्याख्या नहीं होगी, बंद व्याख्या तो चलेगी, पर कब चलेगी, कैसे चलेगी, आप लोगों को समय समय पर सूचित करते रहेंगे। और भी इतना आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश।